में अध्याय 5 में पढ़ना है भिन्न एवं दशमलव भिन्न। यहां हम लोग चर्चा करेंगे पहला भिन्न क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं और हम भी इसमें कुछ देते हैं। भिन्न का मतलब हो गया अलग, एक ही आकृति दी हुई। उदाहरण के रूप में हम देना चाहते हैं एक यदि त्रिभुज है और एक यदि त्रिभुज है। आपको दोनों में पता चल गया होगा कि भिन्न क्या है। उदाहरण के रूप में आप दूसरा चीज दे सकते हैं, जैसे माना जाए ए है और वन है, वाई है स्मॉल वाई है और कैपिटल ए। इसमें ये आपको पढ़ना, भिन्न का मतलब होता है अलग, एक ही चीज ऐसा है लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है। दूसरा में तीसरा में सॉरी अगर दिया जाए, एक हम लोग आकृति लेते हैं और दूसरी आकृति इस प्रकार से लेते हैं। आप देख सकते हैं अलग भिन्न, बहुत सारे उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि भिन्न का मतलब हो गया अलग। अनेक कहने का मतलब भिन्न की परिभाषा हुई कि अलग अलग भागों में सजाने की तरीका को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे अगर किसी इसी में लेते हैं हम लोग तो इसी की भाग को इस तरह से हम ऐसे कर देते हैं, इसको जस का तस कर देते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग करना नहीं चाहते हैं कि माना जाए एक तरह से ऐसे हम लोग त्रिभुज लिए और इसके भाग को इस तरह से काट लिए और इसको छायांकित कर दिए और अगला भाग को इस तरह से रहने दिए, यही हमारा भिन्न है। जो अलग आपको जिस तरीका से लेना है, जो कि आपको देखने को प्रदर्शित हो कि अलग। उदाहरण रूप में आप यह भी ले सकते हैं कि बॉय गर्ल बुक कॉपी, तो आप इस तरह से भिन्न का मतलब आप लोग मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। और इसमें भिन्न में जो जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे इसमें आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो सबसे पहले आप भिन्न का जोड़ के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग अभी आपको बताते हैं कि एक बटा दो प्लस एक बटा तीन का जोड़ करना है। तो जैसे आप जोड़ करते हैं, इसके पहले आप समझ जाए ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो सबसे पहले हर का लसा क्या करेंगे, हर अंक क्लियर है, दो एवं तीन का लसा। तो दो और तीन का लसा अगर निकालेंगे तो क्लियर है ये किसी से नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे, यानी दो गुना तीन छह। उसके बाद इसका जो लघुत्तम आया छो जस के तस लिख देंगे
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर से लसम में भाग करेंगे, यानी दो से भाग छोड़ देंगे। क्लियर है कितनी बार में कटेगा, और जो भागफल आएगा अंश से गुणा करेंगे, यानी तीन गुना एक तीन प्लस फिर तीन से भाग छोड़ देंगे, दो बार में कटेगा, दो गुना एक दो, यानी इसको जब ऐड करेंगे पांच बटा छ। दूसरा तरीका से इसमें ऐसे बना सकते हैं, ये प्रथम विधि है, और द्वितीय विधि से अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझिएगा, आपको इसको करना है एक बटा दो प्लस एक बटा तीन। तो जैसे आप इसका लसन निकाल लेंगे मालूम है कि छुआएगा, और ये जो संख्या दिया हुआ है एक बटा दो जस्ट के तस लिख दीजिए, और जितना इसका एलसीएम है उससे इसको गुणा कर दीजिए, और बीच में जोड़ का चिन्ह है जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद आपको कितना है एक बटा तीन है, ऐसा लघुत्तम छो है, फिर जैसे काटते हैं वैसे काट दीजिए तीन बार में, और तीन से काट दीजिए दो बार। क्लियर है, आपको जो एक संख्या इसे गुणा करेंगे एक गुना तीन प्लस एक गुना दो बटा नीचे होगा छो, इसको जोड़िए एक गुना तीन तीन, दो गुना एक दो, हम जोड़ेंगे तीन दो पांच बटा छो। और तीसरा विधि से अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो तीसरा विधि से आप इसको ऐसे बनाएंगे एक बटा दो जोड़ एक बटा तीन, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हर का आप गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे इसमें गुणा किया गुणा नहीं, इसमें आपने लसर का चित्र किया इसमें सिर्फ गुणा जैसे करना कर देंगे, यानी दो एवं तीन का गुणनफल। तो जब करेंगे तो हो जाएगा दो गुना तीन बराबर छो, आप एलसीएम के रूप में छो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, यहां थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, एक बटा दो प्लस एक बटा तीन, यानी इसको गुना इससे कर देंगे इसको गुना इससे कर देंगे। तो जब गुना कर देंगे तो एक गुना तीन प्लस एक गुना दो, यानी क्लियर है, एक गुना तीन करेंगे तीन, दो गुना एक करेंगे दो बराबर पांच बटा छो, यह आपका जोड़ हो गया। दूसरा भिन्न का घटाव के बारे में जानकारी, तो भिन्न का घटाव हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग को दिया हुआ है छो बटा चार माइनस सात बटा दस, और उसी तरह से हम लोग सबसे पहले नीचे का लसन निकालेंगे चार और दस का, दो से दो दूनी चार, दो पचे दस, अब इसको गुना कर देंगे दो दूनी चार, चार पचे बीस, यानी स्पष्ट हो गया इसका लघुत्तम है बीस। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इससे भागा देंगे जैसे करते हैं चार से भागा बीस में देंगे पांच बार में कटेगा, और ऊपर वाले से गुना करेंगे यानी छो गुना कितना हो जाएगा पांच, दस से भागा बीस में देंगे दो बार में कटेगा तो सात गुना दो, तो गुना करेंगे छो गुना पांच तीस माइनस सात गुना चौदह बटा बीस, तीस में से चौदह जाएगा सोलह बटा। उसके बाद आपको भिन्न का